कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे से जुड़े नए खुलासों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि अब पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ देश को ये बताना चाहिए कि क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं या अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। कांग्रेस ने फ्रांस के श्रमिक संगठनों सीजीटी और सीबीडीटी की दसॉल कंपनी के सीओओ लुइक सेगलेन के साथ बैठक के ब्यौरे का हवाला देते हुए कहा कि इससे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के उस बयान की पुष्टि हुई है कि मोदी सरकार ने ऑफसेट साझेदार के तौर पर अनिल अंबानी की कंपनी का नाम सुझाया था और ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के हेड रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दोनों श्रमिक संगठनों की दसॉल के सीओओ के साथ बैठक का जो ब्यौरा सामने आया है उससे ओलांद के बयान की पुष्टि हुई है। उनके पास ऑफसेट साझेदार के तौर पर रिलायंस डिफेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरजेवाला ने दावा किया कि मोदी सरकार राफेल घोटाले को लेकर जितना अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है उतना ही फंसती जा रही है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे साहब ने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि मोदी जी ने कहा कि एचएल से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर ये रिलायंस कंपनी को देना है और जिसको उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आप भारत सरकार की कंपनी के वकील हैं, देश के हितों के वकील हैं या आप रिलायंस कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट के चौकीदार हैं और इस यूनियन की बैठक से जहां सीओओ ऑफ डसॉल्ट ने क्लियरली कहा है ये बात साबित हो जाती कि इंपेरेटिव और मैंडेटरी था ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस डिफेंस को देना। ये भी कहा कि ये इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस था और ये भी कहा कि ये कॉम्पनसेशन था। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा उसकी पुष्टि सीओओ डसॉल्ट एविएशन ने कंपनी की दोनों यूनियन की बैठक में कर दी। उधर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते ही जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र ने बयान देते हुए कहा है कि राफेल डील के कारण गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर बीमार हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले आशीष देशमुख ने भी कांग्रेस में आने की वजह राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को बताया है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार राफेल घोटाले को लेकर जितना अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है उतना ही इस मामले में फंसती जा रही है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।